नमस्ते दोस्तों, मैं विकास भूपिनवार इस सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जीपैट को एक महीने के अंदर, हाँ दोस्तों आपने ठीक सुना, सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है। देखो, मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसी को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, ठीक है। मैंने जब मेरा पहला जीपैट एग्जाम को क्वालिफाई किया था तो मात्र 30 दिनों में ही क्वालिफाई किया था दोस्तों। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जिसे इतना कुछ जानकारी नहीं था जीपैट के बारे में, लेकिन 20-25 दिनों तक मुझसे जो भी बन पाया मैंने सही तरीके से उसे पढ़ा और आखिरी के 5-7 दिनों में उसे रिवाइज किया और उसी के बेस पर मेरा स्कोर क्वालिफाई आ गया दोस्तों। तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिससे आपको काफी सारा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये जीपैट को 30 दिनों के अंदर क्वालिफाई करने के लिए मैं सिर्फ आपको 4 ऐसे फैक्टर बोलूंगा, जिस 4 फैक्टर का अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो आपका भी स्कोर क्वालिफाई लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर कौन से होंगे, तो फर्स्ट फैक्टर होगा टाइम फैक्टर, सेकंड होगा आपका फ्रेंड सर्कल का फैक्टर, थर्ड फैक्टर होगा जो आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो उसके लिए, और लास्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ये 4 फैक्टर को सिर्फ आपने फॉलो करना है, ठीक है। इस चारों फैक्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों के साथ में, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं। देखो, मेरा नाम है विकास भूपिनवार, मेरा एक YouTube चैनल है फार्मा नोट्स करके, जहां पे मैं आपका अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अपने नोट्स है, वहां पे मैं शेयर करता हूँ वीडियो के जरिए, और इसके जो भी पीडीएफ मटेरियल वो भी मैं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन जिसके लिए आपको छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना होता है चैनल के लिए, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे 350 से ज्यादा वीडियोस मैंने शेयर किए हुए, 1,00,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी है, और यूट्यूब की तरफ से हमें ये सिल्वर बटन माइलस्टोन भी मिला है दोस्तों। तो चलिए इन चारों फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमें जीपैट को 30 दिनों में क्वालिफाई करने में कैसे काम आते हैं। तो देखो, फर्स्ट फैक्टर हमने बोला था टाइम फैक्टर। ये टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे कम समय में क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो इसलिए ये टाइम फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम फैक्टर में आपको 10 से लेकर के 15 हर्स तक आपकी स्टडी को बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। 15 हर्स तक का पढ़ाई अगर आपका होता है ये 30 दिनों में, तो आपका पढ़ाई बेहतरीन होगा इसमें। और देखो, अगर आप 24 दिन के 24 घंटों को अगर आप कैजुअली ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा। 24 घंटों को 24 करोड़ रुपए मान के चलिए, जब आप 15 घंटे रोज पढ़ रहे हो तो ऐसा मान के चलिए कि आप 15 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हो, ठीक है। ऐसा मानोगे, ऐसे सही ढंग से चलोगे तो आप ये पहला फैक्टर क्वालिफाई कर जाते हो दोस्तों, ठीक है। और अपना एक जो पीक टाइम होता है उसको भी ढूंढना है आप लोगों ने। पीक टाइम मतलब क्या, किसी स्टूडेंट को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी स्टूडेंट को इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना, नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपना जो टाइम फैक्टर है तो उसको भी आपने ढूंढ लेना और उसी टाइम में पढ़ना है। जिसको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है वो मॉर्निंग में ही पढ़े, जिसको नाइट में पढ़ना है वो नाइट में ही पढ़े, ठीक है। और बाकी बचा जो टाइम है दिन का, उसमें खुद को खुशनुमा रखे दोस्तों। जैसे आपको कुछ खाने की इच्छा हो तो खाइए, सोने की इच्छा हो तो सोते रहिए, या फिर जो भी आपकी मन चाहे वो करिए। जो बचा हुआ टाइम है, मूवी देखना है, एंटरटेन करते रहिए, खुद को स्पोर्ट करना है, स्पोर्ट खेलना है के लिए। लेकिन जो ये 15 आवर्स का टाइम है ये आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही स्पेंड करना है, पढ़ाई पे ही फोकस करना है, और बाकी टाइम में खुद को फ्रेश रखना है और खुद को एंटरटेन करना है दोस्तों, जिससे हमारा जो पढ़ाई का स्टैमिना है वो अच्छा खासा बढ़ता है, हमें पढ़ाई बोर ना लगे, ठीक है। अब सेकंड फैक्टर की तरफ हम बढ़ेंगे जो है हमारा फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो हमारे गोल के साथ में रिलेट कर जाए, रिलेवेंट कर जाए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो और आपके दोस्त लोग एमबीए की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे फ्रेंड सर्कल के माहौल में रह के आप आपका गोल अचीव नहीं कर सकते। अगर आपका फ्रेंड सर्कल वही होगा जो आपके गोल के साथ मैच कर रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई चर्चा होगी तो जीपैट के रिलेटेड होगी, जब भी कोई क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे तो जीपैट के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो भी कोई कंसेप्ट डिस्कस किया जाएगा तो वो जीपैट के रिलेवेंट डिस्कस किया जाएगा, जिसका हमें फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में जरूर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपने अभी करना है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है तो आज ही आप लोग उन लोगों के साथ में
रूममेट हो जाइए उन लोगों के साथ में, अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए जो लोग साल भर से 2 साल से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। हार्डली थर्ड ईयर से स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्होंने कहीं से कोचिंग ली है, जिनके नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं, तो उनके साथ में आप टाइम को स्पेंड करिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हम बढ़ेंगे अभी थर्ड फैक्टर की तरफ जो है हमारा स्टडी मटेरियल। देखो अभी महीने भर में हमें प्रिपरेशन करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट से नई रेफरेंस किताबें उठा करके लेके आए, आपने इतनी सारी लंबी लिस्ट निकाल ली बुक्स की और बुक्स ला करके पढ़ने, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारी फालतू भी चीजें होती है जहां पे कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, वो चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमें अभी बना बनाया मटेरियल चाहिए ऑलरेडी जो जीपैट के लिए बना है, तो मैंने अभी जो बोला आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ही जो 1 साल का तजुर्बा है 2 साल का तजुर्बा है जीपैट का, उन लोगों के साथ में जब आप फ्रेंडशिप बनाओगे तो उनका नोट्स जो है जब वो रिवीजन करते हैं उनके साथ में बैठ जाना है, उनका सुन के लेना है, और उनके नोट्स ही आप लोगों ने भी यूज करना है रिवीजन के लिए, तो इससे आपको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज मिलेगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज मिलेगा दोस्तों, जिसपे क्वेश्चन आने की बहुत सारी आशंका होती है जीपैट में, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल ऐसा यूज करिए, जो हमने अभी पीडीएफ की बात की थी, जो हमारा भी एक्सपीरियंस है, जो हमने जिस पर जीपैट हमारा पहला क्वालिफाई किया और उसके बाद में कई बार क्वालिफाई किया, तो ये सारा मटेरियल हम आपके साथ शेयर करते हैं एक पीडीएफ मेंबरशिप के द्वारा, तो उस पीडीएफ मेंबरशिप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बोलू जो हमारा लास्ट फैक्टर है कॉन्फिडेंस लेवल, तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को कहीं बाहर से नहीं बढ़ाया जा सकता दोस्तों, इसे हमें अंदर से ही बढ़ाना होता है। देखो जब आप पढ़ाई को स्टार्ट करोगे तो पहले दूसरे तीसरे दिन के अंदर ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस को महसूस करोगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो 10-10 घंटा 15-15 घंटा आप जब पढ़ाई कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ता जाता है, जैसे दिन जाते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप होता जाएगा दोस्तों। और मैं बता दूं ये जीपैट कोई बहुत ही बढ़िया है, मतलब बड़ा एग्जाम नहीं है क्वालिफाई करना, जस्ट कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, जस्ट किस इट दोस्तों, है ना, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है। क्यों होता है, देखो मान के चलो इसमें 125 क्वेश्चन है, तो 125 में से 125 तो सही नहीं लाना है हमें प्रूव करने के लिए कि हमारा स्कोर क्वालिफाई आ जाए। देखो जो फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट होता है ना, वो 125 में से कई 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है सही ढंग से, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो इस एग्जाम में टॉपर होता है जिसका 100 परसेंटाइल आएगा, तो उसके रिलेवेंट बाकी स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाता है, जिसके परसेंटाइल कुछ होते हैं 99.99, 90, 92, 95, ऐसे परसेंटाइल आकर के उनको भी क्वालिफाई स्कोर दिया जाता है। तो देखो ये पूरा तो पेपर हमें सॉल्व नहीं करना है ना, जो भी हम पढ़ते हैं उसको सही ढंग से पढ़िए और सही क्वेश्चन को चुनिए एग्जाम में, ना कि आपने जिसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है उसको भी सॉल्व कर रहे हो तो वो निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। देखो एक बंदा है जिसने बहुत सारा पढ़ लिया और एक क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन के बारे में उसको सिर्फ 70% नॉलेज आया है, अब बचा हुआ 30% तो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, अगर उसने रिस्क लिया तो बहुत चांसेस है कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, और गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो अगर उससे अच्छा है कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको सॉल्व करने की रिस्क ही नहीं लोगे, तो निगेटिव मार्किंग का चांसेस ही नहीं है। तो जो भी सिंपल क्वेश्चन है 50-60 जो भी क्वेश्चन है, आप उनको सही ढंग से सॉल्व कर लेते हो तो आपका भी क्वालिफाई हो जाता है स्कोर दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। इसके साथ में मैं बोलूं कुछ चीजें कंफर्म होती है एग्जाम में, कि जैसे मान लो जुरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रखेंगे तो आपको शेड्यूल पूछा जाएगा, तो शेड्यूल के बारे में नॉलेज रखिए, फॉर्म नंबर के बारे में नॉलेज रखिए, ठीक है, पनिशमेंट के बारे में नॉलेज रखिए, इम्प्रिजनमेंट के बारे में नॉलेज रखिए, जो भी जुर्माना होता है उसके बारे में नॉलेज रखिए, या फिर कॉग्नोसी के ड्रग्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। ये देखो वास्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, उसका फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजेस वो याद नहीं रहता है, तो हमने हमारे चैनल पे ट्रिक्स के सहारे इसको सारी चीजों को डिस्कस किया है, जब आप एक बार वीडियो देख लेते हो तो वो सारा अपने आप जहन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नॉलेज तो नहीं रहेगा लेकिन आपको वो चीज याद आने के बाद उसका सही ऑप्शन क्या होगा आप सही तरीके से अपने आप दे दोगे दोस्तों। यहाँ पे टेस्ट को जो फार्माकोग्नोसी के टेस्ट है उनको भी डिस्कस किया हुआ है, तो उनको भी आप लोगों ने देख लेना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए हुए हैं चैनल पे, आपने अभी उस चैनल को विजिट करना है फार्मा नोट्स करके, और उसे सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को देख लेना है, और उसका जो पीडीएफ मटेरियल है जो आपके रिवीजन के काम आएगा, तो उसके लिए आपको हमारी पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप को ज्वाइन करना होता है दोस्तों। ये पीडीएफ मेंबरशिप हम मात्र 999 रुपीज में देते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन आपको हमारे चैनल के लिए करना है हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज करके 8087339648,
फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा 8087339648 को। तो इस नंबर को यूज करके आपने आपका कंट्रीब्यूशन करना है यूजिंग कोई भी ट्रांजेक्शन ऐप को, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे को यूज करके आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे ट्रांजेक्शन हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट आपने हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है, उसके बाद हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे जहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों, जो आपके रिवीजन के काम आएगा। और ट्रस्ट मी, इस मटेरियल को सही ढंग से आप यूटिलाइज करते हो तो आपका स्कोर भी क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें जब हमारा इनिशियल फेज था तब जब हमने नोट्स बनाए थे उस पे हमारा क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद तो हमने कई सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। इतना सारा मटेरियल है, आपको इसको पढ़ने में एक महीना काफी है और इसको पढ़ के आप आपका जीपैट क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आप इस एग्जाम को एक सही दिशा में अगर लेके जाएंगे तो आपका भी स्कोर क्वालिफाई आ जाएगा। और जाते जाते यही कहेंगे कि कोशिश जालिम रख पा रहे, आगे रब दी मर्जी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।